smoking and consumption of alcohol causes cancer. Yes, sir. One strong coffee. Sir, coffee. वो रेगुलर कस्टमर है? हाँ सर, वो रेगुलर कस्टमर है. चार पांच से देख रहा हूँ सर, वो बहुत टेंशन में रहता है सर. नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं? क्या हुआ, क्यों फोन नहीं लग रहा इसका? कृपया कुछ समय पश्चात फोन उठा. फोन उठा. इज करंटली स्विच्ड ऑफ. क्या हुआ इसका? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? अभी तक आपसे कुछ पूछा नहीं हूँ. ठीक, पूछता हूँ. पूछो. आर यू इन लव? सफरिंग विथ लव. पता है, चोट लग रहा है. चोट? हाँ, ऐसे ही गिनने से बॉडी में चोट लगता है. प्यार में गिनने से दिल में चोट लगता है. दिल में? हाँ, तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे हो वो ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है और इसलिए तुम बहुत परेशान हो. तुम्हें कैसे पता? वो सब फेज से मैं गुजर चुका हूँ. सर बिल लाओ लाओ लाओ. रुको 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 रुको, मैं दे रहा हूँ. रुक 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 रुक, सर का बिल भी मुझसे ले लेना. रुको 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 रुक रुक, मैं दे रहा हूँ. प्लीज सर, एक से पाँच मिनट में आप मुझे दे सकते हैं क्या? मुझे बहुत अर्जेंट आपसे बात करना है. मेरा पास ही में रूम है, हम जाएंगे. चलो. तेरा क्या ब्रदर, आज सबका लव स्टोरी ऐसे ही है.
गुस्सा, धोखा, एक्सट्रैक्शन, क्लब जाना, सिनेमा, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मतलब नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता, ये कौन है उसको नहीं पता, वो कौन है इसको नहीं पता। आई लव यू मतलब आई लव यू, बट हम लोग का प्यार ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में प्यार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जब भी वो मुझे आई लव यू बोलती थी, वो अपने सिंसियर, इतने सिंसियरिटी थे वो मुझे आई लव यू बोलती थी कि मेरा दिल उस आई लव यू को समझ सकता था। शादी के लिए नहीं पूछा उसने? पूछता हूँ अभी भी, पूछ रहा हूँ, बार बार पूछता हूँ। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बिना तुम्हें देखे, तो कहती है चलो कहीं भाग चलते हैं। फिर कहती है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। फिर कहती है घर में मैं मनाऊंगी, सबको बात करूंगी, पापा को समझाऊंगी, मम्मी को समझाऊंगी, फिर हम जरूर शादी करेंगे। मैंने कहा उसे कि मैं इतना भी इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने मुझे कहा कि किसी और लड़की को पसंद है तो उससे शादी करें। ऐसे कहने पर उसने फिर मुझे फोन पे फोन किया, मैसेजेज पे मैसेजेज किया, आई लव यू भी कहा, पर जब मैंने उसे कॉल करने की या मैसेज करने की कोशिश की, ना मेरी मैसेजेस से कोई रिप्लाई देती है, ना मेरा कभी कॉल को रिसीव करती है। मैं समझ नहीं पाऊँ कि मैं कैसे कुछ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं लड़की को किस तरीके से मैं कन्वेंस करूँ। मेरे दिमाग का कुछ, मैं ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। ओके डोंट वरी आई विल हेल्प यू। उसका कोई फोटो है? नहीं उसका तो कोई फोटो नहीं है मेरे पास। मैं जब भी उसे कहता हूँ कि तुम्हारा फोटो मैं देख देख के याद करूँगा, जब से मैंने उसे बोला उसने मेरी सारी फोटो डिलीट कर दी मेरे फोन से। क्या हो रहा है, तुम्हें सच में प्यार करती है? 100% सर, वो लड़की मुझे सच में प्यार करती है। डिफिकल्ट, एक काम करना, वो लड़की को एक लेटर लिखते हैं। क्या लेटर सर, आज की इतनी एडवांस तकनीक के जमाने में आप लेटर लिखेंगे? आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतने सब होते हुए वो सब इजीली डिलीट हो जाएगा ब्रदर, एक वायरस अटैक होने से बस सब स्मैश। जी तुम लेटर का मतलब जानते हो? तुम वर्ड्स का मतलब जानते हो? ठीक है, तुम्हारे पास कुछ पिंक पेपर है? है ना सर, अभी लेके आता हूँ। सर ब्यूटीफुल, ऐसा ही पेपर मिल चुके अब देख लिखता हूँ। कॉलेज टाइम में बहुत नाम था मेरा, लड़की लड़का सब मुझसे ही लव लेटर लिखवाते थे। ओ उस जमाने में बहुत नाम था मेरा। भाई भी वो लड़की कहाँ रहती है, कौन से गांव में रहती है? एक गांव में रहती है। हेलो, सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ हमारे बैंक में,
तो सैलरी आया नहीं है, तो मैं अपने दोस्त को बोला हूँ कि 10,000 एडजस्ट करने के लिए, तो वो अर्जेंटली अभी गांव निकल गया है। मेरे पास है ना उधारी आप एक काम कीजिए, ये लेटर जल्दी जल्दी उस लड़के पास भेज दीजिए। बहुत दिन से मेरे लिए इंतज़ार करने वाले से बुलावा आया है और मैं तुम्हें पूरा छोड़ के जा रही हूँ।